मॉर्निंग, सो दिस इज येट अनदर ए न्यू एपिसोड फ्रॉम वरुण्स ट्रैवलॉग। तो इस एपिसोड में हम लोग जोरहाट से लेकर कलकत्ता तक विल बी गोइंग ए रोड ट्रिप। साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट? तो कलकत्ता से जोरहाट से लेकर कलकत्ता तक विल बी हैविंग ए रोड ट्रिप वाया गुवाहाटी एंड देन विल बी हैविंग सिलीगुड़ी एंड मेनी मेनी प्लेसेस। तो एट ए स्टेज इट वॉन्ट बी हैपनिंग, हम लोग बीच बीच जो हॉल्ट करेंगे एंड आई विल शो यू ऑल द ग्लिम्स फ्रॉम दिस ट्रिप, सो स्टे ट्यून्ड। तो अभी हम लोग काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के सामने है, एंट्रेंस वहाँ से दिख रहा है, एंट्रेंस है वहाँ पे, और दिस पुलिस एट पोस्ट इज देयर, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज देयर ऑन द वे टू गुवाहाटी फ्रॉम जोरहाट। तो आगे चल के देखते हैं और क्या क्या है, सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे टिल द एंड। गुवाहाटी पहुंच गए, द वे वॉज वेरी ब्यूटीफुल, रास्ते में छोटे छोटे हिल्स थे, द रोड वॉज इनिशियली वेरी बैड, लाइक काजीरंगा एरिया में बहुत सारा हम था, रोड एकदम खराब था, लेकिन आगे आते आते फोर लाइन रोड वॉज देयर एंड इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो अच्छा खासा हम लोग आए, तो आगे अभी और आगे हम लोग जाएंगे एंड वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर टू कोलकाता। तो अभी हम लोग बोंगाईगांव पहुंच गए एंड अभी हम लोग यहाँ पे स्टे बैक करेंगे। तो अभी लेट नाइट हो गया, लाइक इट्स 10:30 एंड इट वाज अ स्ट्रेसफुल डे, बहुत लाइक नियरली 560 किलोमीटर्स ड्राइव था आज, तो आप विश्वास देखे होंगे। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग बाय 7 ऑलमोस्ट 7 वी विल बी लीविंग टू अगेन फर्दर गोइंग टूवर्ड्स कोलकाता एंड लेट्स सी कल का विजुअल्स कैसा है। तो गुड मॉर्निंग, अभी वी आर रेडी टू डिपार्ट फ्रॉम बोंगाईगांव। तो बोंगाईगांव में हम लोग इस होटल में स्टे किया था, इसका नाम है जहनाबी रीजेंसी, इट वॉज ए ग्रेट स्टे, लाइक 1000 रुपये में नॉन एसी डबल रूम था, बहुत ही अच्छा रूम था। तो सो टुडे वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर टुवर्ड्स वेस्ट बंगाल, कलकत्ता की तरफ प्रोसीड करेंगे राइट। तो एक्चुअली ये जो बोंगाईगांव जगह है, इट्स इन द वैली ऑफ भूटान, यहाँ से भूटान करीबन 60 किलोमीटर, मैक्सिमम 60 किलोमीटर दूरी में है, यहाँ से आप भूटान भी जा सकते हो राइट। तो ये सब है, अभी यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा क्लाउडी है, सुबह सुबह क्लाउडी है, ठंडा तो नहीं है, अच्छा क्लाइमेट है। तो देखते हैं आगे चल के, अभी लगेज भी रेडी है, वी आर जस्ट बोर्डिंग इट एंड प्रोसीडिंग टुवर्ड्स वेस्ट बंगाल। उसके बाद जो रोड मिला है, इट इज़ रियली नाइस। बोंगाईगांव से और भी आगे जा रहे हैं हम लोग, के राइट साइड पे भूटान है, एक्चुअली भूटान के साइड से हम लोग जा रहे हैं। तो ये है मिस्टर हैरिस, मेरे फ्रेंड, उनको पता होगा, मैंने बताया था, हम लोग एक साथ जा रहे हैं। तो अच्छा खासा फॉग है रास्ते में, रास्ता भी बहुत अच्छा है। आपको क्या बताना है इस रास्ते के बारे में, कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया है, जो रोड वाला रास्ता खराब था, ये रास्ता एकदम सही है, ठीक है, आगे चल के देखते हैं और क्या क्या है।
अभी सुबह की 7 बजे है, 7 बजे सुबह के 7 बजे है, ऑलरेडी सनराइज़ यहाँ पे 5:30 6:30 तक तो सनराइज हो ही जाता है। अच्छा रोड है, एकदम खाली रोड है, छोटा छोटा ट्रक्स चलते हैं यहाँ पे और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है रास्ता में, प्लेन रास्ता है, अच्छा खासा स्पीड लेके जा सकते हैं, लेकिन ऑलवेज बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग, वेयर सीट बेल्ट एंड ऑल। तो देखते हैं और क्या क्या है आगे। तो हम लोग अभी फाइनली आसाम से निकल गए हैं, अभी हम लोग वेस्ट बंगाल में आ गए हैं। वेस्ट बंगाल में हम लोग अलीपुरद्वार करके एक जगह पे एंटर किया था, अलीपुरद्वार करके एंटर करके हम लोग सीधे हसीमारा होकर अभी सीधे हम लोग वेस्ट बंगाल कलकत्ता की ओर जा रहे हैं। तो एक्चुअली पीछे की तरफ एक्चुअली भूटान है, यहाँ से भूटान इट्स वेरी नियर, लाइक नियरली 19-20 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स बॉर्डर है, तो भूटान यहाँ से पास में। बहुत सारे भूटान की गाड़ियाँ भी आते जाते रहते हैं, यहाँ से भूटान की एक्सक्लूसिव बस सर्विस भी अवेलेबल है। राइट, तो अभी धूप है, उतना ज़्यादा नहीं है फिर भी धूप है, और थोड़ा फॉगी क्लाइमेट है, इसलिए यहाँ पे एक्चुअली पीछे भूटान दिखता है यहाँ से, लेकिन आज दिख नहीं रहा है, इट्स वेरी फॉगी, मैं आपको भूटान दिखा सकता था। सो दैट्स अ वे, अच्छा रोड है यहाँ पे, वेरी गुड, बट इट्स नॉट 4 लेन, ओनली 2 लेन, तो वो डिवाइडर नहीं है बीच में, सो इट्स बिट डिफिकल्ट टू ड्राइव लाइक दैट वे। एनीवेज और भी देखते हैं और आगे क्या है, अभी थोड़ा चाय पीने के लिए रोका है और आगे चल के देखते हैं और क्या क्या है। तो हम लोग तकरीबन थोड़ा आगे आ गए हैं, ये जलपाईगुड़ी के सामने आ गए, जलपाईगुड़ी से थोड़ा और आगे आ गए हैं और तकरीबन सिलीगुड़ी के साइड में आ गए, ऑलमोस्ट दिस साइड ऑफ इंडिया। और रास्ता तो बहुत ही ख़राब था, इट वॉज हॉरेबल, लेकिन रास्ता बन रहा है। और द मेन थिंग इज़ ओनली ट्रक्स, इस रास्ता का खूबियत है, ट्रक्स ही ट्रक्स है, जहाँ जाओ पूरा ट्रक्स है, सामने पीछे सभी ट्रक्स है, तो यू आर लाइक ड्राइविंग इन बिटवीन ट्रक्स, सो इट्स नाइस। एक्चुअली सीनरी उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, खास नहीं है, एकदम पूरा धूल से भरा हुआ है, रास्ता पूरा बन रहा है, अब अगर रास्ता बन गया देन इट विल बी ग्रेट, बहुत ही बढ़िया होगा। सो एनीवेज और भी आगे चल के देखते, खाना खाना है, खाना खाने के बाद और भी आगे चल के देखते क्या क्या है। फाइनली एक अच्छा खासा हाईवे मिल गया है, रास्ता अभी थोड़ा अच्छा हुआ है फिलहाल, बहुत ही ख़राब रास्ता था, बस रियली हॉरिबल। तो अभी हम लोग खाना खा लिए, अभी और आगे जा रहे हैं। NH 27 है एक्चुअली, ये सिलीगुड़ी से आगे आ रहा होगा, ये मेन सिलीगुड़ी से ही आ रही है और सीधे वेस्ट बंगाल इनर की तरफ, लाइक कोलकाता साइड की तरफ जाएगी। तो आज हम लोग सोच रहे हैं मालदा में स्टे करने के लिए, सोच रहे हैं मालदा में स्टे बैक करके कल सुबह वहाँ से कोलकाता के लिए रवाना होंगे। यहाँ भी वही है, बहुत ट्रक्स आर द मेन थिंग्स, ये ट्रक्स से ज़्यादा चलता है, आई डोंट नो इतना ट्रक्स इधर फ्लो क्यों होता है, कि इतना मिजोरम नागालैंड आसाम सभी के स्टेट की तरफ के लिए एक ही रास्ता है, द वन एंड ओनली वे फ्रॉम इंडिया, और भूटान अदर कंट्रीज़ के भी यहीं से ही जाता है, तो वो पार्ट भी इसी रीज़न के कारण होगा शायद इतना ट्रक्स इस रास्ते में आता है। बीच बीच हम लोग भूटान का गाड़ी भी देखा था, भूटान रजिस्ट्रेशन व्हीकल्स भी दिखे हम लोग रास्ते में, इट्स वेरी नाइस। फिलहाल तो रास्ता अच्छा है और आगे चल के देखते हैं और क्या।
रेलवे क्रॉसिंग पे आ गए। बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, बहुत लंबा क्यू लगा था ट्रक्स का। जैसे हम लोग का गाड़ी खड़ा है यहाँ पे और देखो एकदम लंबा क्यू है एकदम पीछे तक ट्रक्स का। तो ट्रक्स के बीच में गाड़ी है, तो हम लोग का ट्रक्स के बीच में गाड़ी है। बहुत ही लंबा क्यू था, बहुत देरी हो गया आते आते, इट्स वेरी वेरी लॉन्ग। देखते और आगे चल के क्या होता है। बहुत छोटा रास्ता है और अभी कितना 5:30 ही बजे, देखो अंधेरा हो गया है। 5:30 इन द इवनिंग एंड इट्स नाइट। एनीवेज और आगे चल के देखते हैं और क्या क्या है। मालदा पहुंच गए हैं, तो आज का ट्रिप यहाँ पे हम लोग एंड कर रहे हैं। कल अर्ली मॉर्निंग यहाँ से हम लोग कलकत्ता के लिए अगेन निकलेंगे और आई गेस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इट्स नियरली 300+ किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। सो एनीवेज सी यू टुमारो मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज तो day 3 है कोलकाता ट्रिप के लिए। तो अभी जैसे बताया था हम लोग मालदा में हैं एंड वी आर इन ए होटल। तो अभी अर्ली मॉर्निंग अभी 6:00 बजाय हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं एंड वी विल बी गोइंग स्ट्रेट टू कोलकाता। वी आर जस्ट 300+ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कोलकाता। तो सून हम लोग कोलकाता पहुँचेंगे, तो वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे एंड वी विल बी गोइंग बाय रोड टू कोलकाता। सो स्टे ट्यून्ड। फर्राका करके एक सिटी है, एक छोटा सा टाउन था, नॉट सिटी, एक छोटा सा टाउन था, वो क्रॉस कर गया है। उधर ही फर्राका के साइड से गंगा बहती है, हम लोग अभी गंगा को भी क्रॉस किया। इट वॉज वेरी लॉन्ग ब्रिज, बहुत टाइम लगा उसको क्रॉस करने, बहुत छोटा ब्रिज, इज वेरी नैरो। और इसी के साइड से रेलवे का ट्रैक भी जाता है। तो हम लोग अभी उधर से अभी सुबह थोड़ा चाय पीने के लिए यहाँ रुके, एक छोटा सा एक दुकान है वहाँ पर चाय पीने के लिए रुके। अभी भी हाईवे में पूरा ट्रक्स एंड ट्रक्स और कुछ नहीं, देखिए एवरीथिंग इज ट्रक, आई डोंट नो व्हाई, पूरा ट्रक ही ट्रक है यहाँ पे, प्राइवेट व्हीकल्स बहुत ही कम है। अभी सुबह का ब्रेकफास्ट खाने के लिए रुके यहाँ पे। बीच में हम लोग एक शॉर्टकट लिया, तो अभी एक गांव के अंदर से जा रहे हैं। शॉर्टकट भी ऐसे माने के लिए क्योंकि हर ट्रक उसी रास्ते से आता है, सभी ट्रक ही ट्रक है, देखिए पूरा ट्रक ही ट्रक है। तो एक छोटा सा रास्ता है एक गांव के अंदर से जाता है, पूरा एकदम खेती बाड़ी है। तो अभी हम लोग वहाँ पर ही है, इट्स वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, एक एथनिक गाँव है यहाँ पे।
थोड़ा सा चाय वाय पी लिया एंड नाउ वी आर रेडी टू मूव टूवर्ड्स बर्धमान. तो अगला स्टॉप विल बी एट बर्धमान एंड अगेन गोइंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स कोलकाता. तो लेट्स सी आगे और क्या है. केरला के लिए निकल गए.